देखिए आपका यूँ बार बार दिल्ली जाना ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और कमाल सुने ना, तुम भी बार बार एक ही सवाल पूछती हो। अरे सुने ना, तुमको मैंने बताया तो था कि मैं दिल्ली में अपने कुछ पार्टनर के साथ में कंस्ट्रक्शन का नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ। रिलैक्स। अरे इसके लिए बार बार दिल्ली जाने की क्या जरूरत है आपको? बना बनाया बिजनेस है ना यहाँ आपका। अरे सुने ना, तुम हर बात पे बहस करती हो, समझती क्यों नहीं हो? और ये क्या, मेरी पैकिंग नहीं हुई अभी तक? तुम जानती हो मेरे को जाना है, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया। अपने आप कर लो अपनी पैकिंग। कोई काम ठीक से नहीं होता है तुमसे। दिल्ली काम से जा रहे हो ना, तो ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम इसमें क्या कर रहा है? बेवकूफ समझाए क्या मुझे? अरे सुने ना, दिन भर काम करने के बाद थोड़ा थक जाऊंगा तो मैंने सोचा कि शाम को स्विमिंग करूंगा। इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा यार? हाँ लो, तुमको नहीं पसंद ना, ये लो रखो बात बस। अरे नहीं, रहने दो, वरना आप समझोगे कि बेकार में शक कर रही हूँ। रिलैक्स, जानता हूं तुम मुझ पर कभी शक नहीं कर सकती हो, बहुत प्यार करती हो ना मुझसे। दिशा अभी तक नहीं है। दिशा? आपने बताया नहीं कि दिशा भी साथ जा रही है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है सुनैना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो बस सर को ये जरूरी फाइल देने आई थी। ये लीजिए सर, ये फाइल जो आपने मंगवाई थी इसमें वो सारे जरूरी पेपर्स हैं जो आपने कहे थे, और ये रही आपकी एयर टिकट और होटल की बुकिंग के कागजात। ठीक, मैं देख लेता हूँ, तुम जा सकते हो। जी सर, बाय मैम। तुम नहीं होती दिशा तो न जाने मैं अकेले ये सब कैसे मैनेज कर पाता। दिशा नहीं होती तो क्या हो जाता? ऐसा क्या कमाल कर दिया दिशा ने? अब ये सब काम तो कोई प्यून भी कर सकता है ना, अब इसकी जगह किसी लड़के को क्यों नहीं रख लेते नौकरी पे? अरे सुने ना, तुम्हारी यही बात तो मुझे बहुत याद आने वाली। दिल्ली में बहुत प्यार करती हो तुम मुझसे, तो अपने साथ दिल्ली क्यों नहीं ले जाते? आपको पता है कितनी अकेली पड़ जाती हूँ आपके बिना। पक्का अगली बार से मैं तुमको पक्का अपने साथ लेके जाऊंगा। पक्का? प्रॉमिस, तुम्हारी कसम। सुने ना, मेरी टैक्सी आ गई है, मेरी फ्लाइट का वक्त हो गया। अपना ध्यान रखना, टाइम से खाना वाना खा लेना और फोन करना प्लीज। तुम भी अपना ख्याल रखना। मनीष अभी अभी दिल्ली के लिए निकल गया, मैं भी थोड़ी देर में निकल रही हूँ। सारी तैयारियां हो गई है ना? ठीक है। अरे निकल गया हूँ घर से। अरे मत पूछो यार, आज तो सुनैना ने पकड़ ही लिया था। अरे मेरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो देख लिया उसने सामान के साथ। अरे यार बड़ी मुश्किल से संभाल पाया हूँ, बहुत चालाक हो रहा था मैं, आगे से होशियार रहना पड़ेगा उसके साथ में। चलो तुम फोन रखो, मैं पहुंच कर बात करता हूँ। क्या हुआ साहब, अपनी बीवी की बात कर रहे थे? तुम गाड़ी चलाने में ध्यान दो, बातें सुनने में नहीं। गाड़ी तो साहब A1 चलाता हूँ। वैसे साहब हवाई जहाज में बैठा नहीं मैं आज तक, कैसा होता है अंदर से? साहब मैं तो हवाई जहाज का ड्राइवर बनना चाहता था, लेकिन किस्मत ने टैक्सी का ड्राइवर बना दिया। मगर मेरी अलका भी किसी हवाई जहाज से कम नहीं है। ये अलका कौन है साहब? वो तो मेरी गाड़ी का नाम है। एक मिनट जरा रुको, यहाँ पे मुझे कुछ काम है। हेलो साहब, तिलक नगर पहुंचा हूं। कस्टमर इंतजार कर रहा है। बस सर 15 मिनट में पहुंचा हूं, 15 मिनट। साहब ये आवाज किस चीज की आ रही है? तुम अपने काम से मतलब रखो ना।
चुपचाप गाड़ी चलाओ। साहब आपकी फ्लाइट कितने बजे की है? एयरपोर्ट नहीं जा रहे हैं हम, एयरपोर्ट के पास में ही होटल ग्रीन ले लिए, वहाँ पर ले लो। साहब वो तो 2 किलोमीटर आगे है। अरे तो अच्छा ही है ना, इसी बहाने से तुम्हारी अलका को कुछ पैसे कमाने का मौका मिल जाएगा। साहब वो बात नहीं है, एयरपोर्ट पे कस्टमर इंतजार कर रहा है। दूसरे ग्राहक को मेरी तरफ से सॉरी बोलना। साहब लो आ गया आपका होटल ग्रीन लिली। कितना हुआ? साहब 450। साहब छुट्टे नहीं है। कोई बात नहीं, टिप्स समझ के रख लो। थैंक यू। सर ये रही आपकी चाय, और कुछ चाहिए सर आपको? ठीक है सर। एक्सक्यूज मी। यस सर। मेरा नाम रोशन कुमार है, मैंने यहाँ पर अपना एक डीलक्स कमरा बुक किया हुआ। हाँ सर, मिस्टर रोशन कुमार, रूम नंबर 301। सर ये लीजिए। एक्सक्यूज मी, मेरे रूम के साथ वाला 302 या 303 अगर खाली हो तो? क्यों सर? नहीं मेरा मतलब है कि मुझे मेरा रूम पसंद नहीं आया तो मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँ। माफ कीजिए सर, कोई भी कमरा खाली नहीं है, मगर आप चिंता मत कीजिए, यहाँ के सारे डिलेक्स रूम एक जैसे ही हैं। आप अपना आईडी देंगे सर? श्योर। ये लीजिए। तब तक आप अपनी डिटेल्स भरें। जी। थैंक यू सर। चलिए सर, मैं आपका सामान आपके कमरे में रख देता हूँ। आइए। खबरदार, बिना मुझसे पूछे मेरे सामान को हाथ में लगा दो। हटो। सर माफ कीजिए सर, ऐसा खड़ूस आदमी है मैम, ये बेवजह मुझे डांट दिया। अब 2 दिन शांति ही शांति है, न बीवी से किच 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 किच, न खिच 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 खिच, जीना हराम कर रखा उस औरत ने मेरा। रिलैक्स। देखें जरा टीवी पर क्या आ रहा है। घर में तो बीवी रिमोट देती नहीं, 24 घंटे अपना ही प्रोग्राम देखती रहती है। भाई बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने का ऑर्डर देता हूं। हेलो, एक काम करो, एक प्लेट सिजवान फ्राइड राइस विद एक्स्ट्रा सॉस। थैंक यू। गर्मी सी फील हो रही है, सफोकेशन सा हो रहा है, दम सा घुट रहा है, यहां पर लगता है ये एसी काम नहीं कर रहा है ठीक से। कौन है? मैं पूछता हूं कौन है वहां पे? गुड मॉर्निंग सर। रूम सर्विस। इतनी अच्छी खुशबू, अरे किसके लिए ले जा रहा है भाई? अरे रूम नंबर 301 में जो सर आए ना उनके लिए। बहुत ही सड़ियल है वो, देख लेना, तुझे 1 रुपए की टिप नहीं देगा वो। अबे ऐसा मत बोल यार, आज सुबह से बोनी भी नहीं हुई। देख लेना बेटा, आज कुछ नहीं मिलने वाला तुझे, जा। रूम सर्विस। मैं पूछता हूँ कौन है? देखो तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। अरे बेवकूफ समझते हो मुझे? ये किससे बात कर रहा है? बस नहीं सकता तू, देख बस कर, मैं किसी के पाप से नहीं डरता हूँ।
शूट कर दूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुझे। सामने आओ, बड़ा गोली मार दूंगा। क्या हुआ? अंदर से गोलियां चलने की आवाज आ रही है। तू यहीं रुक, मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुला के लाता हूँ। आप लोग प्लीज यहाँ पे खड़े हो जाइए। अरे ये कैसी आवाज? कल आगे बताइएगा, किस कमरे से गोलियां चलने की आवाज आ रही है। आप आगे बचेंगे। गोलियां चल रही है? जी हाँ गोलियां। हाँ निकल। रमेश रमेश यही है वो दरवाजा। दफा मत मुझे। अभी भी गोलियां चल रही है। हाँ हाँ, दस सुनो सेकंड बाद। पता नहीं कितना नुकसान कर दिया आदमी ने अंदर। अरे तुम्हें नुकसान की पड़ी है? किसी को मार दिया तो? मगर सर तो तुम्हें अकेले थे। ठीक है तुम लोग पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, मैं देखता हूँ। गोली मार दूंगा तुम्हें। बस नहीं चल रहा तो चले। नहीं बस मार दूंगा तुम्हें। इस होटल में आके बहुत बड़ी गलती की हमने। चलो चलते इस होटल। चलो 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 चलो। मैं सीआईडी को कॉल करता हूँ। अब क्या होगा? अरे सीआईडी के आने से पहले हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं। चल चलो जल्दी करो यार। सीआईडी वाला से भाग पाना मुश्किल ही नामुमकिन है। अरे यार तुम ऐसी मनुष्य बातें क्यों करती हो? तुम एक काम करो, तुम ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। और सुनो मुझे फोन मत करना, मैं तुम्हें खुद ही फोन करूंगा। ठीक है एक मिनट। आप लोग पीछे जाइए। यहाँ से गोलियों की आवाजें आ रही थी और एक गोली तो हमारे बहादुर गार्ड रमेश को भी लगते लगते रह गई। इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। आइए। यही है? हाँ सर यही है 301। इसमें मिस्टर रोशन ठहरे हैं। अच्छा एक बात बताइए, इस कमरे के अंदर आने का या जाने का, इस दरवाजे के अलावा और भी कोई रास्ता है? कोई खिड़की से अंदर बाहर जा सकता है? बीच में कोई दरवाजा बिरवाजा है बाथरूम बिथरूम में? सर ये इंटरकनेक्ट रूम है 302 से, तो इसका दरवाजा 302 में है। ये 302 में कौन ठहरा? मिस्टर कुमार ठहरे हैं पर वो अब होटल में नहीं है। फ्रेडी ध्यान रखना। काम करो, इस मैनेजर को बुला लो और हमारे लोगों को भी। सॉरी मैनेजर को अंदर बुलाओ। मिस्टर रोशन सर इन्हें क्या हुआ? लगता है इन्हें किसी ने गोली मार दी। एक काम कीजिए, मुझे मिस्टर रोशन और कुमार दोनों के पूरे डिटेल्स चाहिए मुझे अभी इसी वक्त। जाइए। ठीक है सर। इस कमरे का कोना कोना छान मारो, एक एक इंच चेक करो। इस कमरे में बहुत सारी गोलियां चली हैं। सर 7 बुलेट शेल्स मिले। 7 बुलेट्स चली है और ये देखो ये गन। पता नहीं ये गन किसकी है, इस रोशन की है या और किसी की। देखो शायद इसमें शायद 5 बुलेट्स होनी चाहिए। लेकिन सर खूनी दीवार पे गोलियां क्यों चलाया था? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रोशन ने अपनी आत्मरक्षा के लिए गोलियां चलाई हो सकता है। काम करो बॉडी अच्छी तरह से चेक करो, देखो इसके कपड़े में कुछ आइडेंटिफिकेशन वगैरह मिलता है क्या। सर
ये देखिए सर, एक ही आदमी के दो दो ड्राइविंग लाइसेंस। क्या मतलब? हाँ सर, ये देखिए, एक मनीष के नाम पे और दूसरा ये खुद रोशन के नाम पे सर। मनीष रोशन? सर पैन कार्ड तो मनीष के नाम पे। सर इसका मतलब ये आदमी अपनी पहचान छुपा रहा है। हाँ। सर मेरे डिटेल्स। मैडम इस फ्लोर पर और कितने गेस्ट हैं? सबकी लिस्ट चाहिए मुझे। इस फ्लोर पर तो सिर्फ चार कमरे बुक थे और उनमें से तो अभी कोई भी नहीं है और सबके फोन भी बंद है। फिर गए कहाँ? मुझे नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं किए बाकी के गेस्ट भी नकली नाम से रह रहे थे आपके इस फ्लोर पर? क्या आपको पता है कि आपके इस गेस्ट ने आपको नकली आईडी दी थी? इनका असली नाम रोशन नहीं मिस्टर मनीष है। मैडम आप होटल के बिजनेस में हैं, आपके लिए ये सब पहचान लेना चुटकियों की बात होनी चाहिए। माफ कीजिए मैम, शायद मेरे देखने में ही गलती हो गई होगी। गलती हो गई होगी। सर अगर देखा जाए तो ये सारी खिड़कियां सील्ड हैं, तो अगर मुजरिम अंदर आया है तो या तो इस कनेक्टिंग डोर से आया है या फिर मेन डोर से। स्नेहा जी और एक काम, आपके इस फ्लोर पर जो सीसीटीवी कैमरा है उसका हमें फुटेज देखना है अभी। शायद किसी ने सुबह 9 से 11 की सारी फुटेज को मिटा दिया है और इसी वक्त तीसरे माले के सारे मेहमानों ने एंट्री की थी। अब समझा, इसका मतलब आपके होटल में सब जो कुछ हो रहा है इसमें आपके होटल वाले का भी हाथ है। होटल में कोई ऐसा क्यों करेगा? मैडम फुटेज तो कोई अंदर वाला ही मिटा सकता है और हो सकता है कि वो शायद आप ही। नहीं सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती, कमरा आपका है, इस कमरे का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में, कुछ भी मुमकिन है। नहीं सर, मगर एक मिनट, आप सच बोल रही हैं या झूठ, इसका फैसला तो एसीपी सर करेंगे। सर, हाँ? सर पता चल गया, कुल मिलाकर सिर्फ 7 ही गोलियां चली हैं, 5 दीवारों पे कमरे में, एक मनीष को लगी है और एक बाहर मेन डोर पे, और 5 बची है मैगजीन में। यस सर। सो क्या पता चला, सीसीटीवी फुटेज से कुछ मिला? सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला सर, किसी ने 3-2 घंटे की फुटेज को बता दिया। ये कैसे हो सकता? आइए स्नेहा मैडम जी आइए, ये क्या हो रहा है आपके होटल में, बताइए किसने किया ये? मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। कैसे पता नहीं आपको, आप इस होटल की मैनेजर है, आपको पता होना चाहिए किसने किया ये? सर मुझे नहीं पता। बात बताइए, ये रोशन, मेरा मतलब है मनीष, क्या पहले भी कभी आया था आपके होटल में? हाँ सर, मिस्टर रोशन पहले भी कई बार इस होटल में आ चुके हैं और कम से कम महीने में 2 बार रुकते हैं, पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। फिर वही बात, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था हा? और वो 4 लोग जो इसी फ्लोर पर रह रहे थे उनका क्या? सर वो अक्सर जब भी मिस्टर रोशन, मेरा मतलब है मनीष जी आते थे तभी वो लोग आते थे और आसपास का कमरा ही लेते थे। अच्छा, मनीष जब आता था उसी दौरान ये 4 लोग भी आते थे और आसपास के कमरे लेते थे, मतलब ये लोग एक दूसरे को जानते थे, ये बात आप हमें अभी बता रही है। ले चलो इन्हें भी, सब पता चल जाएगा। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। चलिए सब पता चल जाएगा हमें, चलिए। सर ये मनीष तो इसी शहर में रहता है ना, तो फिर उसे क्या जरूरत है पड़ी महीने में 2-2 बार होटल में रहने की? ये तो फ्रेडी अब मनीष के घर वाले ही बताएंगे कि मनीष महीने में 2-2 बार यहाँ आके क्यों रहता था, और वो 4 लोग भी कौन है इसका भी पता लगाना पड़ेगा। मनीष होटल में था पर वो मुझसे कह कर गए थे कि दिल्ली जा रहे हैं, जरूर किसी ने किडनैप कर लिया होगा और कोनी उन्हें जबरदस्ती उस होटल में लेकर चले गया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये देखिए
नकली आई कार्ड। आपके पति अपनी मर्जी से वहां उस होटल में ठहरे थे रोशन के नाम से। इतना बड़ा झूठ बोला। सिर्फ इतना ही नहीं, मनीष जी इस होटल में कम महीने में दो बार रुका करते थे और ये सिलसिला पिछले 6 महीने से चल रहा था। मैं क्या कहूँ इसके बारे में? आप लोग सीआईडी वाले हैं, आप ही बताइए कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। आपके पति का किसी दूसरे औरत के साथ कोई संबंध? मैंने बहुत बार पूछा उनसे, उन्होंने हमेशा मुझसे कहा कि उनसे मुझसे प्यार करते हैं। अच्छा, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? ऐसा कुछ भी नहीं था। और उन्हें कोई क्यों मारना चाहेगा? जरा ध्यान से देखना, इन दोनों के कमरे मनीष जी के कमरे के बिल्कुल बगल में थे। ये तो रोहित और प्रभात है। रोहित और प्रभात? लेकिन ये तो रवि और विवेक है। नहीं, ये रोहित और प्रभात है, मनीष के बचपन के दोस्त। क्या ये दोनों भी होटल में रुके हुए थे? जी हाँ, मनीष जिस होटल में ठहरते थे ये लोग उसी फ्लोर पे अपना भी कमरा बुक करवाते थे। अजीब सी बात है, पर ये मनीष को नहीं मार सकते, ये मनीष के बचपन के दोस्त है। इनका नंबर या एड्रेस है आपके पास? रोहित ने तो अभी कुछ दिन पहले ही नई जगह शिफ्ट किया, रोहित का एड्रेस नहीं है। प्रभात का है। आप घर पर हैं? आप तो दिल्ली गए हुए थे ना? हाँ, कुछ जरूरी सामान भूल गया था, वही लेने वापस आना पड़ा। अभी कुछ दिन और मुझे बाहर रहना पड़ेगा। अगर कोई आके मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि मैं विदेश गया हूँ, पता नहीं कब लौटूंगा। आप विदेश जा रहे हैं? अरे जा नहीं रहा हूँ, पर तुम कह देना ना। देखिए, आप मुझे सच सच बताइए कि आपने कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? कोई भी हो, कह देना मैं घर पे नहीं हूँ। अरे क्या हो रहा है ये सब? मिस्टर प्रभात घर पे? जी नहीं, मगर आप लोग? हम लोग मैम सीआईडी से। सीआईडी? मेरे पति ने कुछ गलत तो नहीं किया ना? ये पूछिए कि आपके पति ने क्या गलत नहीं किया। गलत नाम से होटल ग्रीन लिली में ठहरे हुए थे, या उनके दोस्त मनीष का खून हो गया। खून? जी। चलिए बाहर चलिए, मैंने आपसे कहा कि चुपचाप बाहर चलिए। मरवा दिया ना तुमने? अरे सर, ये तो यहीं पर है। आइए, आपका सैर सपाटा हम करवाते। गुड आफ्टरनून सारंगे साहब। वेरी गुड आफ्टरनून तारिका जी। ये क्या है भाई साहब? सालूखे को गुड आफ्टरनून और वेरी गुड आफ्टरनून तारिका जी हैं? ये भेदभाव क्यों है? अरे वो क्या है डॉक्टर साहब, जो ज्यादा सुराग देते हैं सीआईडी का लगाव उनकी तरफ जरा ज्यादा होता है। तो ठीक है, आप सुराग लेते रहिए, मेरी क्या जरूरत है, मैं चला, बाय बाय। अरे सर, अरे 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 सालूंगे सर, सालूंगे सर, आप तो बुरा मान गए सर। तो फिर क्या करूं? अरे अभिजीत सर का ये कहने का मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? बताना। अभिजीत सर का कहने का मतलब ये था कि तारिका जी जो है वो सुराग देती है, लेकिन असली पुख्ता सबूत कौन देता है? आप देते हैं। गुड बॉय, गुड बॉय। है ना अभिजीत सर, यही मतलब था तुम्हारा? हाँ ठीक है ठीक है। वो छोड़िए, ऐसा पहले ये बताइए आपने यहाँ बुलाया क्यों, कोई इमरजेंसी है क्या? फिलहाल तो इस गोली के बारे में बात करनी है। ये जो मनीष को लगी थी? बिल्कुल, ये गोली जो मनीष के शरीर से निकली है, और आप लोग जान करके हैरान होंगे कि ये गोली इस गन से चलाई गई है जो आप लोगों को उस कमरे में से मिली थी, शायद मनीष की गन। सर ये भी तो हो सकता है कि ये गन खूनी की हो और हड़बड़ी में वो इस गन को वहीं छोड़ गया। नहीं श्रेया, ऐसे होने के चांसेस थोड़े मुश्किल लगते हैं, क्योंकि इस गन पे जो फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले हैं वो मनीष के ही हैं। और अगर आप लोग इस गोली को ध्यान से देखेंगे ना, तो इसमें आपको एक मार्क दिखेगा, ब्लंट मार्क। हाँ, ऐसे मार्क तो तभी बनेंगे जब गोली रिबाउंड हो जाए, मतलब किसी उस चीज से टकरा के वापस लौट जाए, अपनी दिशा बदल। बिल्कुल अभिजीत, और यही इस गोली के साथ हुआ है। ये गोली कहीं जाकर के टकराई और फिर इसने अपनी दिशा बदल दी। तो मतलब मनीष ने गोली चलाई शायद
दीवार से टकरा के खुद इसे लग गई और जाने अनजाने में मनीष अपनी मौत का जिम्मेदार बन गया। सर लेकिन होटल के कमरे में जो हमें बाकी गोलियां मिली उनका क्या? तो सारी की सारी गोलियां इसी गन की, इसी से चलाई गई। इसका मतलब सारी गोलियां मनीष ने चलाई, मतलब उस कमरे में और कोई था ही नहीं? ऐसा लगता नहीं है, ये कुछ और ही चक्कर है। हो सकता है कि खूनी के पास देसी कट्टा हो जिसमें से शेल नहीं निकलते। एक मिनट। हाँ संदेश बोलो। अच्छा ठीक है मैं आती हूँ 4 बजे। ओके बाय। संदेश तुम्हें नहीं मालूम? नहीं सीरियसली नहीं मालूम? माय गॉड क्या करती हो तारिका है? तुमने अभिजीत को संदेश के बारे में नहीं बताया? दिस इज बैड यार। सर मैं क्या करूं, मुझे मौका ही नहीं मिला। अरे क्या मौका नहीं मिला यार, देखो यार ये कोई बात है यार। अभी बता दीजिए कौन है, कौन ये संदेश? वो सेंट्रल लैब में काम करता है, डीएनए रिपोर्ट्स वगैरह वही बनाकर देता है हमें रिपोर्ट्स। अच्छा अच्छा वो है। मुझे लगा कि क्या लगा तुम्हें क्या लगा? नहीं नहीं मुझे तो वो नहीं मतलब पता नहीं था ना। पता नहीं था बेचारे को। नाउ यू रिलैक्स है ना, पता लग गया रिलैक्स। वो एक्चुअली मनीष के कुछ रिपोर्ट्स आने बाकी हैं तो वही लेने जा रही थी 4 बजे। हां डे मुझे भी फोन आया। हां हां हेलो। हाँ ठीक है हम लोग आते हैं। तारिका जी आप तब तक संदेश से मिल लीजिए, तब तक हम रोहित और प्रभात से मिल के आते हैं। आप लोग हमें साफ साफ बता दीजिए आखिर माजरा क्या है ये? यही तो हम भी जानना चाहते हैं, आखिर ये माजरा है क्या? कैसा माजरा सर? और हाँ सर हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम जैसे शरीफ लोगों का CID ब्यूरो में क्या काम? सर ये शरीफ लोग काफी अच्छा मजाक कर सकते हैं। सर कैसा मजाक सर? मनीष को जानते हो? मनीष? अरे मनीष को तो जानते होंगे निखिल, तभी तो महीने में 2 बार उस होटल में जाके उसके साथ ठहरते थे। सवाल ये है कि मनीष का खून क्यों किया तुमने? खून? मेरे पति ने खून कर दिया? ये क्या कह रहे हैं सर, हमने किसी का खून नहीं किया सर। नहीं किया सर? हाँ। तो फिर गोलियों की आवाज सुनके होटल से भागे क्यों? तो दिल्ली जाने के बहाने तुम लोग होटल में गए थे, क्या कर रहे थे वहाँ? ये लोग ना तो सिर्फ होटल में रुकते थे बल्कि अपनी गलत पहचान देते थे नकली आईडी देकर। हद कर दी आप लोगों ने तो, अगर मेरे पास इस वक्त पेलन होता ना तो मैं आपको बताती। सर एक मिनट, सर आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलिए। सर अगर बुरा नहीं माना तो एक बात पूछो। हाँ पूछो क्या बात है? सर आपकी शादी होगी क्या? नहीं अभी नहीं, क्यों? सर फिर आप नहीं समझ सकते एक पति के दर्द को सर। सर सारा दिन काम करो और जब थक हार के घर पे जाओ तो बीवी की शिकायतों की इतनी लंबी लिस्ट। सर इसलिए हम तीनों दोस्त महीने में 1-2 बार होटल में मिलते थे सर, थोड़ा चेंज होता था, थोड़ा बदलाव होता था और आपस में थोड़ी गपशप मार लेते थे बस सर। अच्छा अच्छा जी सर। ओ गपशप मारते मारते खून कर दिया मैंने? नहीं सर हम क्यों मारेंगे मनीष को सर, तो दोस्त था हमारा सर। अगर ये मनीष दोस्त था तो फिर आप लोग होटल से भागे क्यों? वो हम थोड़ा घबरा गए थे बस। हाँ सर। अच्छा अब एक कदम घर के अंदर रख कर तो दिखाओ, अब तक तो सिर्फ तुमने मेरा प्यार वाला गुस्सा देखा था मगर अब तुम मेरा गुस्से वाला गुस्सा देखोगे। और हाँ रोहित तुम्हें भी घर घुसने की जरूरत नहीं है, अब अपनी सारी बची हुई उम्र उसी होटल में बिताना, सारा सामान तुम्हारा वहीं भेज दूंगी। चलो चलो छोड़ो नहीं यहीं पर। सर अब देखा देखा सर आपने, हमारी बीवी हमारे साथ कितना बुरा सलूक कर रही है। देखिए ये आपका घरेलू मामला है, आप खुद ही निपटिए। आप ये बताइए कि मनीष की किसी से कोई दुश्मनी थी? सर नहीं, किसी दुश्मन के बारे में कभी बताया नहीं था उसने। अच्छा तो ये कुमार कौन? कुमार? ये कुमार नहीं मालूम। कौन कुमार? जो 302 नंबर कमरे में ठहरा था, मनीष के बगल वाला कमरा। सर हम किसी मिस्टर कुमार को नहीं जानते सर, हमारा तो कोई दोस्त भी नहीं है जिसका नाम कुमार है। यस सर। हाँ सर। एक मिनट। हेलो तारिका जी। अच्छा अच्छा संदेश के यहाँ से संदेश लिख के आ गई आप। हाँ तो मिलते हैं जी। तारिका जी क्या संदेश भेजा संदेश बाबू ने हमारे लिए? ऐसा संदेश जो इस केस की जड़ें ही हिला देगा। ऐसी क्या खबर है जिससे केस का रुख ही बदल जाएगा? क्या हुआ है साहब?
वो बात है मनीष की मौत की वजह, असली वजह जो अब पता चली। असली वजह? सर मनीष की मौत तो गोली लगने की वजह से हुई थी ना। यही पेच है श्रेया, यही धोखा खा गए हम। मनीष की मौत गोली लगने की वजह से हुई नहीं, इसकी मौत की वजह है पेस्ट्रोजन कार्बाइड। पेस्ट्रोजन कार्बाइड, ये क्या होता है? बहुत खतरनाक केमिकल है। ऐसा केमिकल जो इंसान अगर एक बार छू भी ले, जरा सा छू ले, तो उसकी मौत पक्की। और ये जहर मनीष के शरीर में गया है इसके अंगूठे से। अंगूठे पर जहां इसने केमिकल छुआ है वहां से ये चमड़ी जल गई। डॉक्टर साहब, ये जहर को फैलने में कितना वक्त लगता है? वैसे तो इस जहर को छूने के बाद इंसान की मौत को 10 मिनट लगते हैं, लेकिन ये 10 मिनट उस इंसान की जिंदगी के सबसे भयानक 10 मिनट होते हैं। वो घबराने लगता है, डरता है, उसे हेलोसिनेशन होने लगते हैं। कमरे में कोई नहीं है, फिर भी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई है, और इसी घबराहट में वो क्या करता है उसे कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा अच्छा, तो मतलब उस वक्त मनीष के कमरे में कोई था ही नहीं, और हेलुसिनेशन की वजह से उसे लग रहा था कि वहां पे कोई है जो इसे मारना चाहता है। अपने बचाव में इसने गोलियां चलाई और एक गोली किसी चीज से टकरा के इसे लग गई। लेकिन ये गोली से नहीं मरा है, मरा है जहर की वजह से, है ना? बिल्कुल। और ये जहर किस चीज को छूने से इसके शरीर के अंदर गया है इसका भी पता हम लोग लगा ही लेंगे। बस ये तो पता चले गया कि मनीष के शरीर में जहर अंगूठे के जरिए गया। अब हम एक काम करते हैं, इस पूरे कमरे में ये स्पेशल स्प्रे करते हैं, और स्प्रे की वजह से जहां भी कमरे में रंग गुलाबी हो जाएगा समझ लो जहर वही। चलो कम। एक एक इंच पर मार के देखो। हाँ, ये रिमोट गुलाबी हो गया। सर ये पानी के बोतल और ग्लासेस भी। अरे देखो बस, ये एक्सी और ये टेबल भी। हाँ, एक कबर्ड का हैंडल भी। सर बाथरूम का नल भी गुलाबी हो गया। मतलब इतनी जगह जहर लगा हुआ? हाँ सर, उनके खूनी ने एक भी इंच नहीं छोड़ी है, एक एक इंच पर उसने जहर लगा दिया। जहां पर भी मनीष जाता वहीं पर उसे जहर लग जाता। उसका मकसद एक ही था, किसी भी हालत में मनीष को खत्म कर दो। पर सर एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? अगर खूनी ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी मनीष को जहर के जरिए मारने की, फिर उसे मनीष पर गोली क्यों चलाई? सर हो सकता है कि जहर और गोलाबारी में आपस में कोई संबंध है ही नहीं। दो मुजरिमों ने दो अलग अलग तरीके से मनीष को मारने की कोशिश की, और संयोग से एक ही वक्त पर। इतना बड़ा संयोग, ऐसा मुमकिन है क्या सर? ये कहां है? सर आप कहां हैं? आपकी आवाज आ रही है लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। निखिल, तुम मुझे देख नहीं सकते मगर मैं आप सबको देख सकता हूं। अरे कहां चले गए सबके सब? अरे सर मैं आपको बताने ही वाला था। सर जब मैं स्प्रे करते करते यहां तक आया तो मैंने यहां पे छेद देखा, और सर इस छेद में से कमरा नंबर 301 का पूरा नजारा दिख सकता है। दीवार के आर पार छेद बनाया है। जरूर ये छेद इस कुमार ने ही बनाया है जो इस कमरे में ठहरा है। कुमार 301 में ठहरे हुए मनीष पर नजर रखने के लिए। निखिल सर, चौली को लेकर आओ। श्रेया जरा कुमार का फोटो दिखाओ मुझे। सही है। पता नहीं ऐसे क्यों लगता है कि इस चेहरे को पहले भी कभी देखा है मैंने, कहीं तो देखा है, जाना पहचाना सा चेहरा है ये। मगर सर इस कुमार को तो हम अभी तक ढूंढ भी नहीं पाए। फिर भी दुष्यंत ये चेहरा देखा है मैंने कहीं तो। सर क्या हुआ सर?
आपने मुझे बुलाया? जल्दी बताओ, ये छेद दीवार के आर पार किसने बनाया? ये सर मुझे नहीं पता सर, ये पहले यहां नहीं था सर। पहले नहीं था? नहीं सर। जाओ, इस होटल में किसी को कुछ भी पता नहीं, जाओ। ये छेद जरूर कुमार ने बनाया है, जरूर कुमार ने बनाया है मनीष के ऊपर नजर रखने के लिए। कुमार, अब पता चल गया है कौन ये कुमार। ये मूछ वाला आदमी यानी मिस्टर कुमार कोई और नहीं है, सुनेना जी हैं। मैं भला फेस क्यों बदलूंगी? यही तो हम जानना चाहते हैं, ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको सुनेना से कुमार बनना पड़ा, भेस बदलना पड़ा आपको? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इतना ही बता दीजिए कि आपने अपने पति का खून क्यों किया। मैंने मनीष को नहीं मारा, और कोई पत्नी क्या अपने खुद के पति को मार सकती है क्या? सीआईडी के इतने साल के अनुभव में हमने कई बार देखा है कि दो जीवन साथी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। हमारे बीच ऐसे कोई तनाव नहीं था, तो फिर भला मैं उन्हें क्यों मारूंगी? तो फिर भेस बदल के वहां क्यों गई थी आप? मुझे पता चल गया था कि अक्सर शहर के बाहर जाने का बहाना बनाकर वो होटल में ठहरा करते थे। मैंने एक दो बार उनसे पूछना भी चाहा, पर उन्होंने सच नहीं बताया। मुझे शक हो गया था उन पर, इसलिए उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। तो फिर पकड़ा क्यों नहीं? दीवार में छेद करके ताका झांकी क्यों कर रही थी? मैं देखना चाहती थी कि होटल के कमरे में मनीष ऐसा क्या करते हैं जिसे करने की आजादी उसे घर में नहीं मिलती। मैंने तस्वीरें भी खींची ताकि वो मेरे सामने मेरे चेहरे पर झूठ ना बोल सके। सर हमें और कब तक बैठना पड़ेगा यहाँ? कहा ना हमने कि हमारा मनीष की मौत में कोई हाथ नहीं। कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक मनीष का खूनी पकड़ा नहीं जाता, कोई कहीं नहीं जाएगा। होटल के तीसरे माले पे आप तीनों के अलावा कोई नहीं था। जहर वाला आइडिया आप में से किसी एक का है, क्योंकि सिर्फ आप तीनों जानते थे कि मनीष वहां पे आने वाला है। हम तीनों के अलावा उसे भी पता है। ये उसे कौन है? मनीष की सेक्रेटरी दिशा। गुड मॉर्निंग सर। मनीष के सारे होटल की बुकिंग्स, उसका सारा काम वही संभालती थी। कहाँ रहती है दिशा? सीआईडी दिशा जी, आपके बॉस मनीष के खून के संबंध में आपसे कुछ सवाल करने हैं। जी जरूर। पहले आप बताइए कि अब क्या लेंगे, चाय कॉफी या ठंडा? कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कैसे नहीं है, बाहर इतनी गर्मी है, नींबू पानी तो पी लीजिए। मेरे लिए नींबू पानी ही तो है, पी लीजिए। आप तो लेंगे ना? रे रे जी। प्लीज ले लीजिए ना। अरे नींबू पानी ही तो है, प्लीज। ठीक है जी, कहिए मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी। दिशा जी, आपके बॉस मनीष के होटल की बुकिंग्स आप ही करती है ना? जी हाँ। मतलब आप अच्छी तरह से जानती थी कि मनीष जी दिल्ली नहीं जाते बल्कि यही होटल में ठहरते, और ये सब जानते हुए भी आपने ये बात उनकी पत्नी को नहीं बताई? देखिए मेरे बॉस मिस्टर मनीष थे, ना कि सुनेना मैडम, और मुझे उन्होंने जो कहा मैंने वही किया, इसी बात की मुझे तनख्वाह मिलती थी। ये मुझे क्या हो रहा है? कोई मुझे मारने आ रहा है, मेरे पास मत आना, मैं मार दूंगा। क्या मिलाया था तुमने नींबू पानी में? मैंने कुछ नहीं मिलाया, मैंने कोई जहर नहीं मिलाया नींबू पानी में। हमने कब कहा कि तुमने जहर मिलाया? क्या बात है, कमाल की मेहमान नवाजी है। नींबू पानी पिलाने के बहाने जहर दे दिया एक सीआईडी ऑफिसर को।
देखो मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास नहीं था ना, मैंने कोई जहर नहीं दिया किसी को, दूर हो जाओ, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। आगे कहाँ जाती हो दीक्षा? सीआईडी को खूब आता है तुम जैसे लोगों से निपटना। दो साल से प्लानिंग कर रही थी मैं उस मनीष को मारने की और आखिर में उसमें कामयाब हो ही गई। ऐसा क्या बिगाड़ा था मनीष ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? मेरे पापा, पापा अगर आज इस दुनिया में नहीं है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ एक आदमी है, मनीष। मेरे पापा का धोखा देकर हमारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली उसने। हम सड़क पर आ गए तो मेरे पापा ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी और उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगी। इसलिए तुम उसकी सेक्रेटरी बन गई, उस पे नजर रखना शुरू करिए। पर काम को अंजाम उस दिन दिया जिस दिन मनीष की बीवी सुनैना वहां उस होटल में आई, ताकि सारा शक सुनैना पे जाए। क्यों? हाँ, और इस काम के लिए मैंने जॉनी को चुना और पूरे 2 लाख रुपए देने का वादा किया। 1 लाख रुपए काम से पहले और 1 लाख रुपए काम के बाद। और सर, मुझे पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने आओ देखा ना था, लालच में आकर मैंने हाँ कर दी। सर सही कहा है किसी ने, पैसा, लालच और बदला इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो गुनाह के दलदल में धंसता ही जाता है। तुम लोगों ने ना सिर्फ मनीष को मारा बल्कि एक सीआईडी ऑफिसर की जान लेने की कोशिश की। सख्त से सख्त सजा मिलेगी तुम्हें, ले जाओ इन्हें। चलो फ्रेडी, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ, ये तो अच्छा हुआ कि मैं ऐन वक्त पे डॉक्टर के पास पहुंच गया, वरना लेने के देने पड़ जाते सर। अरे यार, क्रिकेट मैच खेलने जा रहा है क्या, दस्ताने पहन के घूम रहा है? सर, आज से मैं हर चीज को दस्ताने पहनकर ही हाथ लगाऊंगा। अरे फ्रेडी, एक सीआईडी ऑफिसर को इतनी आसानी से कुछ नहीं होता। एक छोटे से हादसे से डर गए तुम? अभी तो न जाने कितना होना बाकी है, कितना देखना बाकी है। हटाओ दस्तानों को। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।